हेलो फ्रेंड, मुन्ना एलसीडी एलईडी में आप सभी का स्वागत है। मैं मुन्ना रजक। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ये एक पैनल। कंपनी कौन सा है ये मेरा मैटर नहीं लगता है। मैं बोलता हूँ कि पैनल पैनल होता है, तो पैनल का कोई जात धर्म नहीं होता है। तो आप पैनल देखें, ये सिंगल कप की एक पैनल है और ये ओल्ड मॉडल में आती है कुछ इस तरह से। हम लोग पहले पैनल की प्रॉब्लम देखेंगे कि ये पैनल की प्रॉब्लम क्या है। तो एक बार हम लोग ऑन कर दें। एक बार ऑन करने के बाद तरीका देखो दोस्तों, आपको ये वीडियो दिया जाता है आपको तरीका जानने के लिए, फार्मूला जानने के लिए। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि पैनल में प्रॉब्लम है क्या। तो पैनल में आपको दिखाई दे रहा होगा ये HDMI यहाँ लिखा हुआ आया, और ये कुछ ऊपर में दाग दाग आ रही है, और ये हमारा डबल इमेज की तरह कुछ। एक बार हम लोग मेनू मारे, मेनू रिमोट भी नहीं है इसका, फिर भी हम लोग एक बार मेनू से चेक करें कि मेनू में काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से डबल इमेज की तरह, तो यहाँ पर कुछ दाग हो रहा है, कुछ क्लाउड स्क्रीन की तरह भी आ रहा है कोने पे, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो अब हम लोग इसको देखेंगे कि फाइंड आउट क्या है, इसका सलूशन क्या है, ये पैनल बनेगी कि नहीं बनेगी। पहले है कि आपको पॉजिटिव वीडियो तो बहुत यूट्यूब पे दिखाई देता होगा, नेगेटिव को ही नहीं देता है। तो हम लोगों का एक जीवन का अंश नेगेटिव भी है। ये नेगेटिव का मतलब हुआ पैनल नहीं होना। होता तो सब कुछ है, होने का वीडियो आपको दिखाई देगा, जो नहीं होता है उसका वीडियो आपको कहीं नहीं दिखाई देगा। लेकिन हम हैं कि जो नहीं भी होने से ये वीडियो को हम अपलोड करते हैं, पेश करते हैं, क्योंकि हमेशा आपका हर पैनल होगा इसका कोई गारंटी नहीं। तो आप पहले यहाँ पर देख ले कि इसमें, मैं जूम करके दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि पहले कुछ इसमें छेड़छाड़ किया हुआ है कि नहीं। पहले दोस्तों आपको समझना होगा, टीवी को बंद कर दें, और ये जो हमारी है ये हमारी गामा IC है या भीकम IC है या गामा प्लस भीकम बोल सकते हैं। ये जो हमारी IC है लेवल शिफ्टर IC है, ये जो IC है ये हमारी मेमोरी IC है, ये जो IC है हमारी मेन IC है, और यहाँ पर ये जो IC है हमारा DC to DC IC है। इसके बाद हम लोग देख ले कि ये कहीं छेड़छाड़ हुआ है कि नहीं। अगर हम लोग पीछे की तरफ भी चले जाएंगे कि छेड़छाड़ हुआ है कि नहीं, हम लोग वोल्टेज चेक करेंगे, और ये माइक्रोस्कोप के सहारे देखिए, माइक्रोस्कोप बहुत कॉल आता है, कृपया करके आप माइक्रोस्कोप के लिए कॉल ना करें। माइक्रोस्कोप अगर लेना है तो माइक्रोस्कोप के लिए हमने वीडियो बना चुका है, वहाँ पर कॉल करके अपना माइक्रोस्कोप खरीदने के लिए कॉल कर सकते हैं। अगर आप हमारा ट्रेनिंग लेना चाहते हैं कलकत्ता में, तो आप इस नंबर पर इस डेट को आप आ सकते हैं। 10 मेंबर का बैच होगा, A to Z प्रैक्टिकल आपको याद रखना होगा। फोकस जो है पैनल और सॉफ्टवेयर पे ज़्यादा रहेगा, हालांकि A to Z मतलब सब है, लेकिन ज़्यादातर फोकस जो है आपको पैनल और सॉफ्टवेयर। तो आपको कृपया करके अगर अगले महीने 4 से 8 तारीख को अगर ट्रेनिंग लेना है तो 9874622670 पर कॉल करके अपना सीट बुक करा सकते हैं। और आपको कहीं अगर ट्रेनिंग लेना है तो आप स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर से आप कॉल कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, वीडियो को हम लोग ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। दोस्तों, आपको स्क्रीन पे माइक्रोस्कोप के सहारे जो हम स्क्रीन पे आपको दिखाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो हो सकता है आपको कुछ प्रॉब्लम भी हो, या हो सकता है आप नए हैं, CRT TV के लिए आप काम करते हैं, LCD LED बनाने के लिए आप डरते हैं, खासकर पैनल और सॉफ्टवेयर में ज़्यादा डरते हैं, तो आप एक ट्रेनिंग कहीं पर भी कहीं अटेंड कर सकते हैं। या कहीं आप ट्रेनिंग करके आए हैं, कौन सी ट्रेनिंग, प्रोजेक्टर वाली, यानी आप अधिक मेंबर वाली जो कि 20 25 30 40 मेंबर वाली ट्रेनिंग की हैं आज से 2 साल 3 साल 4 साल पहले, और आपको समझ में नहीं आया, तब पर भी आप हमारा ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं। अभी हमारा फिलहाल पटना की ट्रेनिंग संपन्न हुआ है, और बहुत अच्छा है कि फर्स्ट बार हमने पटना का ट्रेनिंग किया और अच्छा रिस्पॉन्स मिला। नेक्स्ट ट्रेनिंग पटना में आपको जुलाई महीने में फिर होने जा रही है, तो आप कृपया करके डिस्प्ले यानी जब वीडियो आप शो होगा या देखेंगे वॉच करेंगे तो उसमें नंबर दिया गया है, वहीं पर अपना कॉल करके सीट बुक कराएं। यहां पर आपको दिख रहा होगा कि SC2 SC1
LC1 LC2, यानी ये ट्रैक जो है ये ट्रैक को हमको वोल्टेज देखना पड़ता है, सिग्नल देखना पड़ता है, कंटिन्यूटी देखना पड़ता है, शॉर्ट किलर यहीं पर हमारा व्यवहार किया जाता है, यानी यहीं पर हमको शॉर्ट किलर को यूज पड़ता है। हर जगह CKB शॉर्ट किलर यूज नहीं होती है, इसलिए कृपया करके आप 10-10.5 हजार रुपये वाली शॉर्ट किलर खरीद कर आप अपना पैसा बेकार ना करें। अगर आपको शॉर्ट किलर लग रहा है तो आप खरीदें, लेकिन बेवजह पैसा आप नुकसान ना करें। हम यहाँ पर ये एक ट्रैक यहाँ दिख रहा होगा, ये हमारा H1, ठीक, ये हमारा H2, H3 और H4, यानी 1, 2, 3, 4, ये 4 ट्रैक है हमको काटना पड़ता है। हम कट करके देखेंगे। आपको याद रखना होगा, काटने के लिए आपको सुविधा चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में ये अगर ना हो तो आपको जोड़ना पड़ता है। तो हमारा 1, 2, 3, 4, ये 4 ट्रैक हमको काटना पड़ेगा। ये हमारी सैमसंग वाली कॉफ नहीं है, लेटेस्ट मॉडल नहीं है कि आप लोग समझते होंगे कि इसमें वीडियो बहुत सारा है। ये हमारी एक ओल्ड टीवी की एक सिंगल कफ की पैनल है। यहाँ पर आपको इस नज़र को देखना पड़ेगा, इसको ध्यान से देखना पड़ेगा, और हम अब इसको अच्छी तरह से काटना पड़ेगा दोस्तों। ये आपको याद रखना होगा। बहुत लोग सोचते हैं कि आपने फाइंड आउट कैसे किया। याद रखना होगा, पहले हम लोग चांस जो है राइट साइड को देते हैं। आप भी एक बार राइट साइड को देंगे, अगर आपको फुल डिटेल्स अगर लेना है A to Z पैनल में क्या होता है, किधर से किधर सिग्नल्स वोल्टेज जाती है, इसमें स्ट्रक्चर कैसा बना है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, जेटे क्या होता है, फर्मवेयर क्या होता है, रिवॉल्विंग क्या होता है, CPU रिवॉल्विंग क्या होता है, तो आप हमारा ट्रेनिंग कहीं पर भी अटेंड कर सकते हैं। ये आपको याद रखना होगा। अब हम लोग क्या करें, इसको पहले काट लेंगे। तो दोस्तों, हमने इसको साफ सुथरा कर चुके हैं, और आपको अब दिखाई दे रहा होगा कि ये एक ट्रैक और ये ट्रैक। साफ सुथरा करने से क्या होगा कि आप अगर साफ कर रहे हैं, अगर किसी कारण से नहीं हुआ तो आपको फिर से दोबारा बाईपास जम्पर करना होगा। हो सकता है कि आपको माइक्रोस्कोप से आपको ये ट्रैक बहुत बड़ा दिखाई दे, लेकिन आपकी नंगी आंख से ये ट्रैक बहुत छोटी दिखाई देती है। तो आपको कुछ इस तरह से इसको साफ करना होगा, और 1 by 1 आपको कट करना होगा, क्योंकि आपको फिर इसको नहीं होने से इसको ज्वाइंट करके दूसरी तरफ जाना है। ये आपको याद रखना होगा। आपको यहाँ पर रहा सवाल, बहुत सारे बोलते हैं कि सर हम काटेंगे कैसे, पहचानेंगे कैसे, जानेंगे कैसे सिग्नल्स कैसे है, तो ये कृपया करके 10-15 मिनट का तो वीडियो है नहीं, लेकिन आप अगर ट्रेनिंग कहीं अटेंड कर रहे हैं, हमारे पास भी नहीं कहीं दूसरी जगह, तो वहाँ पर हो सकता है आपको क्लियर हो जाए। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप काटने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, हमने साफ सुथरा करके 2 ट्रैक काटा है। हो सकता है आप भी इसी तरह से काटते होंगे, तो कृपया करके आप 4 ट्रैक ना काटें, 1 by 1 काटें, क्योंकि अगर 4 ट्रैक काट रहे हैं, इनकेस उधर का प्रॉब्लम ना हो, तो आपको 4 ट्रैक जोड़ना है। तो हमने 2 काटे हैं। अब गौर से अगर देखोगे तो मैं यहाँ पर दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, आप नज़दीक ले जाओ और भी गौर से आप देखो, कि आप लोग ना बोले कि हम कितना ट्रैक काटे हैं, ठीक है। वो जो बीच में दिखाई दे रहा है आपको, ये अगर दिखाई दे रहा है, ये टेस्ट पॉइंट है, ये वाली टेस्ट पॉइंट है। आप ये मत समझो कि ये हम काटे हुए हैं, ये टेस्ट पॉइंट है, ये कटा हुआ नहीं है। कटा हुआ हमारा ये एक है, और यहाँ पर जो नीचे है ये कटा हुआ है, यानी 2 काटे हैं। काटने के बाद अब हम इसको चालू करेंगे। आपको ये क्यों बता रहा है, क्योंकि अभी फिलहाल जो पटना में हमारी ट्रेनिंग हुई ना, मैंने देखा वहाँ पर बहुत, मतलब अभी भी ये सब नहीं जानते हैं और बहुत पीछे हैं। तो मैं कोशिश किया कि थोड़ा सा मैं डिटेल्स दूं, क्योंकि वो लोग ये सब विषय में थोड़ा सा हमको कमज़ोर दिखाई दिया। हालांकि वो लोगों को मैं जब बताया ना, तो वो लोगों का माइंड एकदम शार्प है और बहुत अच्छी तरह से वो लोग जान भी गए। तो यहाँ पर हमने
दो ट्रैक काटा है सिर्फ, याद रखना दोस्तों, दो दो काटने के बाद हमने देखा कि ये ठीक होने के बजाय या सेम टू सेम उसी स्थिति में रहने के बजाय ये हमारा और ज्यादा जो है वो खराब हो गई है। यानी इसका मतलब है कि इधर का लाइन अगर हम सब भी काट दें तो ये पैनल एकदम नहीं आएगी, क्योंकि मैंने दो काटा ही तो इस स्थिति में अगर आ गया, चार काटेंगे तो कुछ भी जो लिखा हुआ है शायद एकदम वो ना आए। इसका मतलब ये इधर का प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रहा है, इसको हमको सावधान होकर इसको ज्वाइंट कर देना होगा और हमको दूसरी तरफ चला जाना होगा। दोस्तों ये हमारा जो वीडियो है मैं अपलोड कर रहा हूँ, अब हमको इसको जोड़ने में थोड़ा समय लगेगा, अब जोड़कर हम इसको सेकेंड पार्ट बनाएंगे, क्योंकि 10 मिनट का ये ऑलरेडी वीडियो हो चुका है। कृपया करके आप सेकेंड पार्ट को भी वॉच करना न भूलें, क्योंकि आपको तभी पता चलेगा कि ये पैनल बना कि नहीं बना। ओके दोस्तों, बाय। सेकेंड पार्ट आप जरूर वॉच करें।